नमस्कार, विपदुनी समाचार में आपका स्वागत है। H-1B वीजा सुधार विधेयक अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पेश। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में H-1B वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत न्यूनतम $130,000 वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है। यह मौजूदा न्यूनतम वेतन स्तर के 2 गुना से भी ज्यादा है और इसके लागू होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका में भारत सहित विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। यह पहल डोनाल्ड ट्रंप सरकार की अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। कैलिफोर्निया के सांसद जोएल लॉफग्रेन ने हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट 2017 नाम से यह विधेयक पेश किया। इसमें उन कंपनियों को वीजा देने में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जो बाजार औसत का 2 गुना वेतन देने को तैयार हों। इसमें न्यूनतम भुगतान की श्रेणी को खत्म करने और H-1B वीजा पर आने वालों के लिए वेतन का स्तर बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें H-1B वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए स्थानीय नौकरी का प्रतिस्थापन नहीं होने के प्रमाण पत्र से छूट के लिए शर्त है कि ऐसे वीजा पर बुलाए जाने वाले कर्मचारी को $130,000 से अधिक के वेतन पर ही बुलाया जाएगा। यह 1989 में स्थापित H-1B वीजा के तहत वर्तमान न्यूनतम वेतन $60,000 के वेतन स्तर का दुगने से भी ज्यादा है। लोकप्रिय ने कहा कि मेरा विधेयक H-1B वीजा की दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ और उदीयमान को चुनने की मूल मंशा पर फिर से ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही अमेरिका के कार्यबल में उच्च दक्षता, योग्यता, उच्च वेतनमान और उच्च कुशलता से परिपूर्ण कर्मचारियों को जोड़े जो अमेरिका में नौकरियां पैदा करने में मदद करे, न कि उन्हें नौकरियों से विस्थापित करे। लोकप्रिय ने कहा कि यह एक बाजार आधारित समाधान देगा जिसमें उन कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ज्यादा वेतन देने को तैयार होंगी। इससे अमेरिकी नियोक्ताओं की योग्य लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे पहले कल कुछ समाचार पत्रों ने वीजा नियमों में सुधार वाले ट्रंप सरकार के कार्यकारी आदेश का मसौदा छापा था जो लीक हो गया था। इस आदेश का लक्ष्य रोजगार वीजा के नियमों को कड़ा बनाना है और यह अमेरिकी नई सरकार के आवर्जन व्यवस्था में सुधार की व्यापक योजना का हिस्सा है। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार के इस कदम से न केवल H-1B और L-1 वीजा पर शिकंजा कसेगा बल्कि इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के मसौदे के अनुसार नई व्यवस्था में H-1B वीजा पर आने वाले व्यक्तियों के जीवन साथी के लिए अमेरिका में काम करने की अनुमति भी खत्म हो जाएगी। जीवन साथी को काम करने का अधिकार देने वाले वीजा की शुरुआत बराक ओबामा की सरकार ने हाल ही में की थी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। पूर्व मंत्री E. अहमद को संसद में दिल का दौरा पड़ा, हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखे गए। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही। भाजपा अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा उत्तर प्रदेश में विकास के साथ हिंदुओं का पलायन भी है भाजपा का चुनावी मुद्दा। ट्रंप प्रशासन इस सप्ताह 872 शरणार्थियों को अमेरिका आने की इजाजत देगा। इशरत जहां मुठभेड़ प्रकरण के आरोपी गुजरात के प्रभारी DGP का कार्यकाल बढ़ा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।